दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज देख सकते हैं मेरे पास एक एसर का बोर्ड आया हुआ है जो कि पूरा डेड है। इसका हालांकि डायग्नोस हम पूरा कर चुके हैं, इसका बीन जो है पूरा शॉर्ट है, ठीक है, जीरो लेवल पर शॉर्टिंग है। जैसे कि देख सकते हैं मेरा ये बीन का मॉस्फेट ये हुआ, ये दुगो जो है मेरा बीन का मॉस्फेट हुआ और ये मेरा CLR हुआ जो कि जीरो लेवल पर पूरा शॉर्टिंग दिखा रहा है। और बाकी सारा कॉइल जो है सब ठीक है, देख सकते हैं ये हुआ 3-5 का, ये मेरा ठीक है, ये सब भी मेरा ठीक है, ये भी ठीक है मेरा। देखिए ये चीप सीट का है तो 13 वैल्यू है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो देख सकते हैं मेरा जो बीन का शॉर्टिंग है, इसको छुड़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग को इस CLR को निकालना पड़ेगा। चलिए इसको निकालते हैं। सकते हम लोग ने निकाल दिए। अब इसमें हम लोग को पता लगाना है प्राइमरी साइड में शॉर्टिंग है या सेकेंडरी साइड में। तो देख सकते हैं प्राइमरी साइड में शॉर्टिंग पता लगाने के लिए ये मेरा हुआ प्राइमरी और ये हुआ सेकेंडरी। तो एक पिन ग्राउंड में रख कर चेक करते हैं। देखिए मेरा प्राइमरी साइड जो है पूरा टोटली ठीक है, डीप कुछ भी नहीं है। और सेकेंडरी साइड में लगा रहे तो 0.2 में आके डीप कर रहा है, मतलब कि पूरा ये जीरो लेवल शॉर्टिंग है। तो इसका शॉर्टिंग छुड़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रोजन पेस्ट यूज करेंगे। देख सकते हैं रोजन पेस्ट जो कि थोड़ा धुआं करके शॉर्टिंग का लोकेशन पता कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है DC पावर सप्लाई से मात्र 3 वोल्टेज दे के चेक करेंगे कि कितना एम्पेयर उठा रहा है। हालांकि 5 एम्पेयर उठाएगा आप लोगों को भी पता है, हमको भी पता है, अगर चेक कर लेते हैं इससे क्या हुआ कि किस साइड में थोड़ा हीट हो रहा है, ये हम लोग को कंफर्म हो जाएगा। जो देख सकते हैं इसको ग्राउंड कर देते हैं और मेरा DC पावर सप्लाई में देख सकते हैं 3 वोल्टेज सेट किया हुआ है। अब इसको लगाते हैं प्राइमरी साइड पे, देखिए पूरा 5 एम्पेयर उठा ले रहा है, देख सकते हैं। अब क्या थोड़ा सा जो है रोजन पेस्ट का यूज़ करेंगे हम लोग। रोजन पेस्ट यूज़ करने से पहले क्या करेंगे, किस साइड में हीटिंग हो रहा है ये प्रॉपर पता लगा लेंगे। तो जैसे कि इधर लगा है तो आती लगा के हम थोड़ा थोड़ा माइनरली चेक करेंगे किस साइड हीटिंग हो रहा है। इस साइड में जो है थोड़ा हीटिंग आ रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कंफर्म होने के लिए रोजन पेस्ट का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा से लगा लेंगे इसको तो अभी क्लियरली दिख जाए हम लोग को कि किस साइड में शॉर्टिंग का। इधर पे देख सकते हैं वो जो बड़ा बड़ा NPC सब है, सब 19 वोल्ट से कनेक्टेड NPC है। दोस्तों देख सकते हैं इधर पे थोड़ा सा रोजन पेस्ट लगा के थोड़ा वाइट वाइट कर दिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा हीट दे के देखते हैं कि इस साइड पे मेरा रोजन फ्लक्स पिघल रहा है। देखिए इस साइड पे हम पूरा हीट दे दिए, इसी साइड में थोड़ा मेरा हीट हो रहा था, हालांकि यही दो NPC में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कन्फर्म कर लेते हैं, दो NPC में से कोई एक होना चाहिए, जैसे कंफर्म कर लेते पहले। चलिए मेरा 19 वोल्ट का CLR है इधर पे, देख सकते हैं पूरा जो है उगल के पूरा धुआं बिग रहा है, NPC गल के, ये तो कंफर्म है कि हम लोग का ये वाला NPC शॉर्ट है। देखिए पूरा देख सकते हैं पूरा गल गया वो।
अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा थिनर से साफ कर लेते पहले। थोड़ा सा फ्लक्स यूज करेंगे इसमें, ठीक है, और SMD के एड से इसको निकाल देंगे। निकाल दिए, ठीक है, चेक करते हैं कि हम लोग का बीन जो है सॉर्टिंग है कि नहीं, ठीक है। चलिए मल्टीमीटर को ले लेते हैं, बिल्कुल दे रहा है, एक भी प्रॉपर ग्राउंड रख लेते हैं। मेरा बीन है इस साइड में, देख सकते हैं मेरा बीन यहीं पर है जो कि अब सॉर्टिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पर इस CLR को लगा देते हैं, जो CLR मेरा इधर पे है, CLR को बैठा लेते हैं। को बैठा लिए, जहाँ जब हम लोग का ये फ्लॉक्स लगा हुआ है उसको थोड़ा थिनर मार के साफ कर लेते पहले। अच्छा से साफ कर लेंगे इसको, जो भी गीलापन है सब कॉटन का कपड़ा जो है सूख लेगा अपने, वरना क्या होगा कि जैसे जो थिनर है थिनर से गीला रहेगा तो बोर्ड फिर शॉर्ट कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पहले वोल्टेज देके देखते हैं कि हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं। 19 वोल्टेज इन करके देखते हैं, जैसे कि मेरा वोल्टेज इनपुट हो गया है, अब इसको बस ट्रिगर करना है। देखिए दोस्तों, मेरा ये बोल रहा है और वोल्टेज जो है ऑटो ट्रिगर हो चुका है, काकी सीमोस बैटरी लगा हुआ नहीं है मेरा बोर्ड में, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ, 307 ही है मेरा, और देखिए कीबोर्ड में भी डिस्प्ले आ चुका है मेरा। ओके थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही लैपटॉप रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।